देखिए, ये वो सरकार है जो कहती थी कि हम बिजली के बिल हाफ करेंगे, लेकिन आज बड़े दुख की बात है, बिजली के बिल डबल हो गए हैं। देखिए, ये हम शुरू से कहते आए हैं, जो हमारा अलायंस था वो केंद्रीय लेवल पर लोकसभा चुनाव के लिए। ये वही कांग्रेस है जो कभी आपके साथ हुआ करती थी, ये वही कांग्रेस है जो कभी आपके साथ मिलकर बीजेपी को कोसने का काम करती थी, लेकिन अब वही कांग्रेस आपको कोस रही है और बता रही है कि कैसे अब केजरीवाल की कुर्सी जा सकती है। जी हाँ, अब केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस खुलकर मैदान में आ गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त दिल्ली में आप और कांग्रेस आमने सामने हैं। दिल्ली में जब से खबर सामने आई कि दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी होगी, तब से कांग्रेस और आप लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं और कांग्रेस ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को चेताया है कि अगर बिजली के बढ़े दाम वापस नहीं लिए गए तो पार्टी सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, ये वो सरकार है जो कहती थी कि हम बिजली का बिल आधा करेंगे, लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि बिजली के बिल डबल हो गए। सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। इतना ही नहीं, जब उनसे ये पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में तो आप और कांग्रेस साथ ही थे, तो अब कांग्रेस आपके खिलाफ मोर्चा क्यों खोल रही है, तो जवाब क्या दिया गया, सुनिए सर। देखिए, ये वो सरकार है जो कहती थी कि हम बिजली के बिल हाफ करेंगे, लेकिन आज बड़े दुख की बात है, बिजली के बिल डबल हो गए हैं और जो सरकार है उसके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार इनको आगाह करने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहा जाए कि भाई इनको वापस लिए जाने चाहिए, अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए, ये हम शुरू से कहते आए हैं, जो हमारा अलायंस था वो केंद्रीय लेवल पर लोकसभा चुनाव के लिए था। जब से चुनाव खत्म हुए हैं, हम पूरी मजबूती के साथ 70 की 70 सीटों पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारा कैडर वहाँ मजबूती के साथ अपने पैर जमा के बैठा है और मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो चुनाव होगा उसमें किसी प्रकार का कोई गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा। तो सुना आपने कि देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम शुरू से कहते आए हैं कि हमारा गठबंधन केंद्रीय स्तर के लिए था, जब से चुनाव खत्म हुए हैं हम पूरी मजबूती के साथ दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि दिल्ली के चुनाव में हमारा किसी से किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं, यानी वो ये बता रहे थे कि कांग्रेस अब अकेले मैदान में है। यानी कांग्रेस ये बताना चाहती है कि दिल्ली में कांग्रेस अपने दम पर विधानसभा चुनाव जीत सकती है और उसे अब आपके सहारे की कोई जरूरत नहीं। दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर जरूर गठबंधन हुआ, लेकिन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता इस गठबंधन को जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं कर पाए। दोनों ही पार्टियों के बीच में समन्वय में भी कमी रही, जिसकी वजह से राजधानी की 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन की हार हो गई। लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन का दिल्ली में कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा नतीजों को विधानसभा सीट पर पार्टी के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो करावल नगर, गुंडा, रोहतास नगर, बुराड़ी जैसी सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। महाबल मिश्रा, अरविंदर सिंह लवली, प्रहलाद सिंह साहनी, नीरज बसोया, राजकुमार चौहान जैसे लोगों ने कांग्रेस का दामन अलग अलग वजहों से छोड़ दिया। ऐसे में पार्टी का संगठन राजधानी में पिछले कुछ सालों में बेहद कमजोर हुआ। अब ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के संगठन को खड़ा करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए कांग्रेस आपसे अलग होकर तैयारी में लगी है। यहाँ आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की एकता बार बार सवालों के घेरे में आती रही। कांग्रेस दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी, इस बात का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। इससे साफ है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी से दूरी बरत रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दूरी कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दिला पाएगी, ये तो खैर आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और सबसे पहले खबर आपको शेष भारत बताएगा। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।